कैथल जिले के पुंडरी हलके में पड़ने वाले गांव पिलणी के कुष्ठ निवारण धाम की खुदाई करते समय ग्रामीणों को ब्रिटिश शासन में इससे पहले के 9 सिक्के मिले हैं, जिनको अब पुलिस ने कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में बने कुष्ठ निवारण धाम इस समय निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ से उन्हें ब्रिटिश शासन के समय के कुल 9 सिक्के मिले हैं, जिनमें से कुछ पर तो मुगल प्रशासकों के चित्र छपे हुए हैं तथा कुछ सिक्के ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं, जिन पर कोई चित्र तो नहीं छपा हुआ है पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ जरूर है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह सिक्के मुगल शासन के समय के हो सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह कोई पहली बार नहीं है कि उनको इस जगह पर खुदाई के दौरान सिक्के मिले हों, बल्कि इससे पहले भी उनको इसी तरह के कई सिक्के मिल चुके हैं। बताते चले कि पुंडरी हलके के पिलणी गांव में ग्रामीणों को गांव में बन रहे कुछ निवारण धाम की खुदाई के दौरान ब्रिटिश शासन के समय के कुल 9 सिक्के मिले हैं, जिसकी सूचना उनको पुलिस के को दे दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार की मौजूदगी में भी अभी सिक्के अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिनको अब मालखाने में जमा करवाया जाएगा। तो आइए क्या कहा प्रशासन के द्वारा, आपको सुनवाते हैं। कल सूचना आई थी, राजकिशन सरपंच ने गांव पिलिन ने सूचना दी थी DDPO साहब को कि भाई यहाँ कुष्ठ निवारण तालाब है और उस तालाब की मनरेगा वाले मजदूरों से खुदाई चल रही थी, उसमें पुराने 9 सिक्के मिले थे, जहाँ पर जाकर तहसीलदार साहब ने वो अपने कब्जे में लेके फिर पुलिस के हवाले कर दिए थे जी, वो दाखिल मलखाना थाना करवा दिए हैं। कहाँ मिले हैं और कौन सा तीर्थ है जी? ये कुष्ठ निवारण तीर्थ है जी, गांव पिलणी में, वहाँ पे मिले हैं जी खुदाई के समय। तो तहसीलदार साहब ने मौका बजाया कि वो अपने कब्जे में ले लिए थे और पुलिस के हवाले कर दिए जी। खुदाई तो पहले भी होती थी कि अब अलग जगह पे खुदाई की जा रही? नहीं, उसी तालाब में हो रही थी। जो कुष्ठ निवारण तालाब है वो काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा था, अब खुदाई। किस धातु के बने हुए हैं सिक्के? वो है जी तांबा जैसे सिक्के हैं, तांबा जैसे बड़े बड़े सिक्के हैं, पुराने सिक्के बहुत। तो आगे की कार्रवाई की जाएगी? उसमें दाखिल मालखाना करवा दिए जी, आगे प्रशासन जैसे भी जहाँ जमा करवाने के लिए आदेश देंगे वहाँ जमा करवा देंगे। क्या नाम है जी? तीर्थ का नाम है जी कुष्ठ निवारण तीर्थ बाबा देवीदास समाधि। कौन सा हूँ आपके गांव पिल्ली में कुष्ठ निवारक धाम पर कुछ पौराणिक चीज़ें मिली हैं, क्या जानते हैं इनके बारे में? ऐसा सर, हमारे गांव में एक महाभारतकालीन तीर्थ है जिसका नाम कुष्ठ निवारण तीर्थ है, बाबा देवीदास की वहां पर समाधि है, लाखों श्रद्धालु वहां पर अपनी श्रद्धा और आस्था लेकर आते हैं। वहां नई पंचायत का गठन होने के बाद हमने मनरेगा के तहत उस तालाब की खुदाई की मांग करी थी, जिसमें खुदाई कार्य मनरेगा स्कीम के तहत शुरू हुआ था। तीसरा ही दिन था खुदाई का, उस समय वहाँ कुछ जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते थे उन्होंने प्राचीन समय में सिक्के डाले हुए थे, कुछ सिक्के अवशेष के रूप में वहाँ पर मिले हैं। उन सिक्कों को मैंने सूचना DDPO साहब को दे दी थी, DDPO साहब के माध्यम से DC साहब को और तहसीलदार साहब को, BDPO साहब मौका भी करके आए हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पर जा चुके हैं, वो सुपर्द कर दिए गए हैं तहसीलदार को और SHO पुंडरी को। उनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बहुत प्राचीन है, उसमें 1606 के 1664 के कुछ सन लिखे हुए मिले हैं, अलग अलग धातु के हैं। पहले दिन 7 सिक्के थे, फिर 2 और मिले, 9 हो गए, 3 आज मिले, जिसे आज वर्तमान में टोटल 12 सिक्के हैं जो प्रशासन के पास हैं। सर, कितने सिक्के हैं, उन पर किसकी तस्वीर है और कोई तीसरी कोई सन लिखा? टोटल सिक्के 12 हैं, उनमें से 2 पे सन लिखने क्लियर नहीं है, लेकिन 2 पे ये है कि एक में 1664 लिखा हुआ है, लगभग कन्फर्म नहीं हुआ क्योंकि इतना वो साफ नहीं हो पाए थे, एक में 1606 लिखा हुआ है, और जो एक सिक्का है वो चांदी का भी हो सकता है, धातु का कभी अभी कन्फर्म नहीं हुआ, वो विभागीय अधिकारी बता पाएंगे किस धातु के। तस्वीरें हैं उनके ऊपर, अलग किसी पे जैसे हम इतिहास में पढ़ते थे राजाओं के सैनिकों की हैं, जिसमें मुगल काल के सैनिकों की ज़्यादा तस्वीरें हैं। Received an information that some very old coins have been found at Kushth Nivaran Tirath, Pilni, Tahsil Pundri. कितने सिक्के थे और कहाँ? कुल मिलाकर 9 सिक्के थे
और ये स्पॉट इंस्पेक्शन पे जाकर पता चला कि कुष्ठ निवारण तीर्थ है वहाँ पे और डिगिंग अप ऑफ पॉन्ड इज गोइंग ऑन. तो मनरेगा वर्कर्स व्हाइल दे वर डिगिंग द पॉन्ड दे फाउंड सम वेरी ओल्ड कॉइंस. इन टोटल दे वर 9 और समय का अंदाजा है 6 बजे के आसपास स्पॉट इंस्पेक्शन पे हम पहुँचे थे और 9 सिक्कों को हमने हैंड ओवर कर दिया था पुलिस विभाग को. उनके भी अधिकारी गण आए हुए थे और महिपाल जी थे इंस्पेक्टर साहब जिनके थ्रू हमने पुलिस विभाग को 9 के 9 सिक्कों को हैंड ओवर कर दिया था. ये पिल्ली गांव में पहले भी उस जोड़ की खुदाई हो चुकी है या पहली बार खुदाई हो रही है? नहीं, खुदाई अभी शुरू हुई है. नए सरपंच जो नई पंचायत बनी है उन्होंने कुछ निवारण तीर्थ के लिए पॉन्ड डिगिंग स्टार्ट की थी और उसमें ये सिक्के बरामद हुए. तो आपको कैसे इन्फॉर्मेशन थी? हमारे पास मैसेज आया था उच्च अधिकारीगण की तरफ से, DC साहब की तरफ से मैसेज आया.